मैं शिवचरण कौशिक वसंत विहार करनाल से, मैं आप सभी भाई बहनों को, जितने भी मेरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से बाहर रहने वाले भारतीय हैं, सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारे शिवजी महाराज देवों के देव आदि देव, इनके त्रिशूल हाथ में रहता है। त्रिशूल का अर्थ है तीन प्रकार के कष्ट उनका निवारण करने वाले, अधिदेविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक, हर प्रकार के कष्ट को ये हरने वाले हैं, इसीलिए त्रिशूल हाथ में रखते हैं। लिंग रूप में विराजमान है हमारे 12 ज्योतिर्लिंग, जो ये ज्योतिर्लिंग हमारे प्रकट हुए हैं एक अग्नि के स्तंभ के रूप में, और इस उनका आकार भी शिवलिंग जैसा था, तो उनका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। ब्रह्मांड में सर्वोच्च शक्ति है, ये बहुत भोले हैं, बहुत शुद्ध आत्मा के हैं। इसका तात्पर्य ये है कि जो भी शुद्ध आत्मा का कोई भी मानव है, कोई भी जीव है, वो बड़ा भोला होता है, सब पर कृपा करने वाले हैं, इनके लिए सभी बराबर हैं, देव दानव असुर सब इनके लिए बराबर हैं। इनके भक्तों में हर प्रकार के जो जो भी जीव है, चाहे मानव है, राक्षस है, पिशाच है, भूत है, प्रेत है, गण है, सभी इनके भक्तों में आते हैं। और महाशिवरात्रि को इनकी शादी हुई थी, शादी का जो त्योहार है अनुपम, वो पूरे भारतवर्ष में शिवरात्रि के रूप में, महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। मैं आप सभी भाइयों से पुनः पुनः यही करता हूं प्रार्थना कि शिव भगवान की तरह भोले रहें, ईमानदार रहें, सभी जीव, चाहे कोई भी जीव है, चाहे जहरीले हैं, हमारे दूसरे जीव हैं, कोई भी मानव है, राक्षस है, गण है, आप सभी उनके प्रति स्नेह रखें, क्योंकि पृथ्वी पर ऐसा कोई जीव नहीं है जो हमारा बिना अर्थ के है, जिसका कोई उपयोग नहीं है, ऐसा कोई जीव नहीं है। तो सभी जीवों पर दया करें, सभी जीवों पर कृपा करें, सीधे साधे रहें, ईमानदार रहें। धन्यवाद।